स्वागत है। हम आज पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री का क्लासेस का चैप्टर 5, यानी हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 फॉलो करना चाहते हैं आप जहाँ जा सकते हैं प्ले लिस्ट में क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके, और वहाँ आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 केवल 20 या 30 मिनट में आप उनके वीडियो में आपका पूरा कवर, चैप्टर 1, 2, 3 हर एक चैप्टर के लिए 20 या 30 मिनट काफ़ी हुआ, यानी आप एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यार आप लाइक कर दो तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है? राजा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये सब चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो चुनाव का दिन था, जब शंकर ने तो देखा, उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। वे शंकरन जानना चाहता था कि आखिर इतने उत्साहित क्यों थे। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं शासक के बारे में कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन यह बहुत पहले की बात है। बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ। और किस प्रकार हुआ? कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया था। यानी अश्वमेध का यज्ञ, अगर आपने रामायण देखा हो तो उसमें मिल सकता है, अगर रामायण नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूं आपको। ये अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें क्या कहते, घोड़े को राजा के लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया था, और इसे इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ को करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उसने नहीं रोका और उसने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब इसके इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, या यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मानित संपन्न किया जाता था। अब इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन में बिठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा उन अन्य गुणों का गान करता था, यानी सारथी क्या था उसका जो तरह तरह उसका गुण का गाथा गाएंगे, और राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यज्ञ की पूरा प्रक्रिया देखना पड़ता था, और आमंत्रित राजाओं का कार्य एक ही था, वे बैठकर केवल केवल यज्ञ ही देख सकते थे। अब राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। 20 अथवा वैश्य जैसे लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में तो शामिल ही नहीं किया जाता था। यानी कि पुरोहितों को और शूद्रों को कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण की बात करें तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले उत्तर के बाद ग्रंथ को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आए? सामवेद उत्तर वैदिक ग्रंथ है, यजुर्वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ है, अथर्ववेद उत्तर वैदिक ग्रंथ है, तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है, और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, और क्या कि इसे ग्रंथों में क्या अनुष्ठानों की विधि को बताया गया है, और इतने सामाजिक नियमों को भी बताया गया है इस सभी ग्रंथों में। अब उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। तो अब क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त के समूह हो गए थे। शिल्पकार का अलग समूह था, पशुपालक का अलग समूह था, कृषक का अलग समूह था, योद्धा का अलग समूह था, पुरोहितों का अलग समूह था। तो जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा व्यवसायी थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। लेकिन दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिल्पकारी, शिकारी तथा भोजन संग्राहक क्या थे? निर्धन थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं।
उनके अनुसार वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण, उनका काम था वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उनको उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। अब उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान में वीर या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी, क्षत्रिय, वैश्य दोनों का कोई यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था और इनका काम अन्य तीन वर्णों की ही सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था और अतः औरतों को भी शूद्र समान माना गया था। महिला तथा शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। यानी कि इस समय से क्या आरंभ हो गया था, इस समय से आपका जात पात ऊंच नीच आरंभ हो चुकी थी। अब अगर हम बात करें तो पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्माण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोग को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे और साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। अब इन लोगों में से संपर्क अपवित्र माना जाता था, यानी कुछ जो लोग शवों को दफनाना या जलाने का काम को मतलब क्या कि जो लोग जलाते थे उन्हें क्या ये लोग अशुद्ध मानने लगे ना पवित्र मानने लगे और इसे छुआछूत का एक भाव चालू हो गया। अब कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की, जैसे अभी भी होता है, उस समय भी हो रहा है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनपद की तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी क्या, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन का राजा नहीं जनपदों का राजा हो गया। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन अर्थात जन के बसने की जगह, यानी जन के जहां जनता जहां बसती उसे जनपद कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में है, जैसे पृष्ठ 49 में दिखाए गए, जिसे मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। अब अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मैं नीचे दिखाऊंगा। अब हम बात पुरातत्व विदों ने इन जनपदों में की कई वस्तुओं की खुदाई की है, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला खुदाई हुआ है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरंजी खेरा, इन्हें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे, वे इत्यादि को खेती भी किया करते थे। अब हम कुछ आगे जाकर बात करें, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। लोग मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते थे, कुछ धूसर होते थे और कुछ लाल रंग के होते थे। और इन पुरास्थलों में कई विशेष प्रकार के बर्तन हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों की चित्रकारी की गई थी। अब समझ, चित्रित का मतलब क्या, चित्रकारी किया गया। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थे, मतलब एक सरल रेखा में होते थे या ज्यामितीय आकृतियों में होती थी। अब अगर हम बात करें महाजनपद की, तो यहाँ पर चित्रित धूसर पात्र को मैं यहाँ दिखा दूं, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। अब यहाँ देख सकते हैं कई तरह के मतलब ड्राइंग बनाए हुए हैं, देख सकते हैं चित्र बनाए हुए हैं, चित्रकारी की गई है। और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब अगर थोड़ा आगे में बात करें महाजनपद, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें क्या कहा जाने लगा, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक ही होती है, यानी अधिकतर महाजनपदों की राजधानी क्या होती है, एक ही होती है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, यानी कि बहुत बड़े किला संबंध जैसे किला के जैसा बनाया गया था। ऐसा लगता था कि अन्य राजा आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षाओं के लिए इन किलाओं का निर्माण करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खरीद कर, यानी क्या, और कुछ राजा क्या करते थे, अपने राजधानी के चारों तरफ विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी करके अपनी समृद्धि दिखाते थे।
अब यहाँ कुछ आपको चीजें दिखाती है, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर, वैशाली, मगध, उज्जैन, हस्तिनापुर, उसके बाद इधर झेलम नदी और तकसेरा, सिंधु नदी आप इधर देख सकते हैं, सतलुज नदी इधर आप देख सकते हैं, ब्यास नदी यहाँ देख सकते हैं। उसके अंदर आपको मतलब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ मगध हो गया, वैशाली हो गया, हस्तिनापुर हो गया, उज्जैन हो गया, ये जो थी यहाँ कुछ महाजन, ये सब थे जो कुछ जनपद थे। अब अगर बात करें तो वे सत्य प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना और भी सरल हो जाता था होगा। इस तरह की विशेष दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होगी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता होगा। यह ये बात सही है, अगर इतना बड़ा किला बनाने के लाखों की संख्या में ईंट और ईंट का और पत्थरों का आवश्यकता पड़ता होगा। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी, केवल परिश्रम से तो काम नहीं बनेगा, इसके लिए संसाधन भी चाहिए। अब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों का नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्को यानी पीस 84 में तुम चित्र देखोगे देखो रूप में होता था, यानी पीस 84 में मैं चित्र दिखाऊंगा। इस सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो यहाँ आप देखो कुछ किले हैं, जैसे कौशाम्बी किले की दीवार यहाँ आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है, ईंट के दीवार का अवशेष है, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले। आप देखते कितना ऊंचा किला है, एक किला का मतलब आपका जो निर्माण हुआ 2500 साल पहले हुआ है। अब अगर बात करें कर यानी टैक्स, जो अभी इनकम टैक्स बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर देता है, जो कि पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग, गरीब आदमी तो हेल्प परेशानी नहीं होता है। तो महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सीमा रखते थे। अब इनके लिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती होगी, तो इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अब महाजनपदों के राजा लोगों को द्वारा समय समय पर लागे पहाड़ों पर निर्भर ना रखकर अपने लिए नियमित कर वसूलने लगे, यानी कि अपने लिए टैक्स वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांशतः लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, यानी कि 6 किलो में 1 किलो जो है आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। अब कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जैसे जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे एक बुनकर लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, यानी 12 महीने में 12 दिन। अब अगर बात करें पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने में कर देना पड़ता था, आखिरकार तथा संग्राहकों को जल जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, तो संग्राहक संग्रह करते थे तो उन्हें उस पर वस्तु देनी पड़ती थी। अब कृषि में परिवर्तन देख लेते हैं, तो कृषि में परिवर्तन क्या है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, यानी क्या हल के जो फाल थे अब काठ से इसे लोहे पर उसे बदल दिया गया और इससे फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया था, जो बीज से जो धान उपजाया छिड़क कर जो धान उपजाया जाता था उसके जगह क्या किया गया, धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया जाने लगा। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तो परिश्रम लगता था, ये काम ज्यादा दास दासी और भूमिहीन खेती महल मजदूर ही करते थे, तो ये सब कौन करते, दास दासी करते थे, भूमिहीन मजदूर करते थे। अब अगर हम बात करें सूक्ष्म निरीक्षण, तो मगध का सूक्ष्म निरीक्षण आप देख रहे थे, लगभग 200 साल पहले की भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, यातायात और जल वितरण मगध और जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने वाले कई बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर इन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घोड़ा, घर, गाड़ी तथा राजा तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी, यानी क्या जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ियां मिलती थी। अब अगर इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मिली हैं, तो हमें लौह अयस्क की खदानें भी मिली हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे, यानी मजबूत हथियार और औजार बनाने के लिए क्या बहुत रूप मुख्य रूप से ये इसका उपयोग जरूरी था। मगध में 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, यानी क्या
मगध में दो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र क्या थे, बिंबिसार थे और अजात शत्रु थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, यानी कि अन्य जनपदों को भी अपने अंदर लाना चाहते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस मूक महाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। यानी महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे इस राज्य इसके, जिसने क्या किया था, पूरा फैला लिया था, इसने महाद्वीप उत्तर पश्चिम तक फैला लिया था। अब अगर बात करें बिहार के राजगिरी, आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, यानी कि बिहार का जो राज आपका राजगीर है कई समय तक थी। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया मगध का। अब 300 साल पहले की बात है, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। आपने सिकंदर वाले तो जाने ही, सिकंदर लगा अलेक्जेंडर जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध को कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो वे इसका मुकाबला कहीं नहीं कर सके। तो अब अगर बात करें बज्जी की, तो जैसा कि तुम्हें ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, तो जैसा तो उसी पर उसी उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, यानी बिहार आज का बिहार में वैशाली। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ किसे कहते हैं? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, ठीक है, और संघ अर्थात संगठन या सभा। तो गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी क्या, गण या संघ में कई शासक ऐसे होते थे जो कभी कभी लोग एक साथ ही शासन करते थे और यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के को एक साथ संपन्न करते थे। यानी क्या, यहाँ कई राजा हुआ करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया करते थे क्या करना है और किस तरह करना है, इसका ये लोग निष्कर्ष निकालते थे। अब शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। जैसे स्त्रियां, दास और तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे क्योंकि उनको शूद्र के रूप में माना जाता था। अब बुद्ध तथा महावीर के बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, जिस दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। हम बौद्ध के बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अगला चैप्टर है। अब बात करें बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन के बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में संघ का जीवन बहुत रूप से दिखाया गया है। अब हम बात करें अजात शत्रु और बज्जी संघ क्या है, तो अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बसकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभा नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करते रहेंगे, बुद्ध ने कहा, और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। इन बातों को करने में क्या वे तब तक भी उन्नति करते रहेंगे, बुद्ध ने कहा। और उन्होंने बोला कि बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। ये नहीं कि मैं इस मत को सम्मान करता हूँ तो मैं केवल इसी मत को ये करूंगा, दूसरे मत वालों को मैं बंदी करूँ, तो ऐसा नहीं, सबको एक बराबर और उनके आने जाने में कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। अब अगर बात करें कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी क्या 1500 साल पहले तक चलता रहा, उसके बाद क्या गुप्त शासकों ने इस पर फाइनली आक्रमण किया और इनको अपने अंदर शामिल कर लिया। अब अन्यत्र में हम पढ़ेंगे कि अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढ लिया। अब लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे क्या कहा जाने लगा, प्रजातंत्र या गणतंत्र। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली, कब तक चली, 200 सालों तक चली और इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्ति जो दास नहीं थे। और वहां एक ऐसी सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, ठीक है। तो ये बात हम जान ली कि वहां एक ऐसी भी सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार तो बुलाई जाती थी। अब इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, ये बात हम जानना चाहिए कि इस सभा में क्या, इस सभा में सभी के सभी नागरिक भाग ले सकते थे।
और शासनों के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। यानी क्या, शासन के कई पदों पर जो नियुक्तियां तो किस प्रकार की होती थी, लॉटरियों द्वारा की जाती थी। और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यानी भारत के जैसे उस समय के सभी नागरिकों को अपने सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। अब बात करें तो औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिला माना जाता था। यानी उस समय भी उन्हें मतलब उतना अच्छा दर्जा नहीं मिला था। व्यापारियों तथा शिल्पकारियों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले हैं थे। एथेंस में खदानों और खेतों, घरों और कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो उन्हें बहुत सारे लोगों को वहां से नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। दोस्तों हमारे हुआ चैप्टर खत्म, चैप्टर पांचवा। अब अगर हम बात करें तो इसमें उपयोगी सब क्या, राजा है, अश्वमेध है, वर्ण है, जनपद है, महाजनपद है, किलेबंदी है, सेना है, कर है, पौधारोपण है, गण है, संघ है, प्रजातंत्र है। दोस्तों ये होता है हमारा चैप्टर पांच खत्म। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर छ की तरफ। ठीक है, तो चलिए चैप्टर छ की तरफ।